एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़कर दूसरे महल में रहने जाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपना सरकारी आवास खाली कर लुटियन से दिल्ली में स्थित अपनी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद के बड़े महल में शिफ्ट हो गए। इस पर आम आदमी पार्टी की बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर भयंकर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़कर वन में 14 साल गुजारे। नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने जाते हैं। माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, नारी पर वार करने वाले को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं। हे राम, बता दे कि केजरीवाल जिस बंगले में रहेंगे वह मंडी हाउस के पास फिरोज शाह रोड पर है और पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का सरकारी आवास है। यह बंगला आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के काफी पास में है। अब इसी बंगले में केजरीवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। बता दें कि गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित बंगले में शिफ्ट हो गए। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह घर आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का आधिकारिक आवास है। बीते दिनों शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का चौंकाने वाला ऐलान किया। इसके बाद आतिशी के रूप में दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिल गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास जल्द ही खाली करने का ऐलान कर दिया। उनके इस ऐलान के बाद कई पार्षदों के साथ ही विधायकों ने भी अपने घर में रहने का ऑफर दिया था। आखिर में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद को अलॉट हुए आवास में शिफ्ट होने का फैसला लिया। शुक्रवार को केजरीवाल ने अपने माता पिता पत्नी और बच्चे के साथ पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को मिले आधिकारिक आवास के लिए रवाना हुए। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती है, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा था कि वह जनता की अदालत में जाएंगे, यह कहते हुए उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।